हम बस स्टैंड से आगे आते हैं तो हमें यहाँ पर रेलवे स्टेशन भी देखने को मिल जाता है। बस की टिकट कितने की है, कितने स्टॉप पड़ेंगे और मैं कितने टाइम में हरिद्वार पहुँच जाऊँगा, सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ इस वीडियो में। उसने तो बना दिया मुझे बेवकूफ, तो मुझे अब जाना पड़ेगा अगले स्टॉप। तो चलते हैं फटाफट से अगले स्टॉप और वहाँ से देखते हैं कोई गाड़ी है या नहीं। हाय सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ काफी बढ़िया होगा। सो गाइस, मैं अभी पिछले ब्लॉग में आपसे बोल रहा था कि मैं हरिद्वार जाने वाला हूँ। सो गाइस, फाइनली मैं जो है हरिद्वार जा रहा हूँ आज, और मैं अभी रेडी होकर और मैं घर से निकल आया हूँ, और मेरा जो ये मेरा छोटा भाई है सबसे, और जी मुझे स्टॉप तक छोड़ने जा रहा है, और ये भाई साहब मुझे स्टॉप पर छोड़ देंगे। स्टॉप पर छोड़ने के बाद वहाँ से मुझे बस या ऑटो से सिकंदराव जाना होगा, सिकंदराव से फिर मुझे अलीगढ़, अलीगढ़ से मिलेगी मुझे हरिद्वार के लिए बस। तो पहुँचते हैं फटाफट से स्टॉप। बस स्टॉप पर पहुंच चुका हूं और आप पीछे देख पा रहे हो वो है बस स्टॉप, और यहां से ही मुझे जो है अलीगढ़ के लिए बस मिलेगी। और बस नहीं मिली तो मुझे ऑटो से सिकंदराव जाना पड़ेगा, सिकंदराव से फिर मुझे बस पकड़नी होगी अलीगढ़ के लिए, अलीगढ़ से मुझे मिलेगी हरिद्वार के लिए बस। सो चलो करते हैं वेट। ये राधा कृष्ण का टेम्पल है सामने, आप देख पा रहे हो गाइस, एंड यहाँ पर एक पुलिस चौकी है अक्सौली के नाम से, और ये रोड जो है कासगंज से आता है, कासगंज से ये सिकंदराव के लिए जाता है। सिकंदराव होते हुए हम हाथरस भी जा सकते हैं, अलीगढ़ भी जा सकते हैं, एंड एटा के लिए भी जा सकते हैं इस रोड से। वैसे वैसे एक बस तो आ रही है, शायद मिल जाए तो और बढ़िया रहेगा, जो है मैं डायरेक्ट जल्दी से हाँ अलीगढ़ पहुंच जाऊंगा इससे, देखता हूँ हाथ रुक जाए तो। रुक तो गई भाई, अलीगढ़ अलीगढ़। अलीगढ़ में पहुंच चुका हूं गाइस, और ये है बस स्टैंड अलीगढ़ का। तो गाइस, मैं अभी जो बस से आया था, मैंने उस भाई से पूछा था जो ड्राइवर था, मैंने कि भाई हरिद्वार के लिए कहां से बस मिलेगी, तो बंदा बोल रहा था इसी से मिलेगी, तो मैं यहां उतर गया और यहां मैंने पूछा तो बोल रहे हैं भाई यहां से नहीं मिलेगी, जो न्यू बस स्टैंड है आगे पड़ेगा वो, उससे मिलेगी। उसने तो बना दिया मुझे बेवकूफ़, तो मुझे अब जाना पड़ेगा अगले स्टॉप। तो चलते हैं फटाफट से अगले स्टॉप और वहाँ से देखते हैं कोई गाड़ी है या नहीं। हम बस स्टैंड से आगे आते हैं तो हमें यहाँ पर रेलवे स्टेशन भी देखने को मिल जाता है, यहाँ पर थोड़ी सी आगे तो यहाँ पर भी जाके देख लेते हैं, यहाँ से फिलहाल में कोई गाड़ी हो तो हम उस गाड़ी से भी निकल सकते हैं। यह अलीगढ़ रेलवे जंक्शन ये वाला आप देख सकते हो, तो चलते हैं अंदर देखते हैं गाड़ी है क्या नहीं है कोई यहाँ से। वैसे तो मैंने चेक किया था फ़ोन से, तो एक गाड़ी दिखा रहा था सुबह 3:30 बजे। तो वैसे मैंने अभी जो अंकल से बात की, अंकल मना कर रहे हैं वहाँ के लिए कोई गाड़ी नहीं है फिलहाल में, और मैंने जैसे कि अभी आपको बताया था, मैंने पहले ही मोबाइल से चेक करके देख लिया था, एक ही गाड़ी दिखा रहा था सुबह 3:30 बजे की। तो फिलहाल में यहाँ से कोई गाड़ी नहीं है, तो चलते हैं बस स्टैंड, न्यू बस स्टैंड, और वहाँ से हमें मिलेगी हरिद्वार के लिए बस। आप ओल्ड बस स्टॉप से आओगे तो गाइस आपको यहाँ पर अग्रवाल चौक मिलेगा, और ये है न्यू बस स्टैंड गाइस, यहाँ पर मैं फाइनली पहुँच चुका हूँ। और इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपको हरिद्वार जाना है तो आपको न्यू बस स्टैंड ही आना है, यहाँ से ही आपको हरिद्वार के लिए बस मिलेगी। और अलीगढ़ के अंदर 3 बस स्टॉप हैं 3 बस स्टैंड हैं यहाँ पर, तो आपको न्यू बस स्टैंड पर ही आना है, इस बात का आपको ध्यान रखें। तो गाइस, बस स्टैंड की हालत कुछ इस प्रकार की हो रखी है, आप देख सकते हो यहाँ पर पानी हो रखा है। बस की टिकट कितने की है, कितने स्टॉप पड़ेंगे और मैं कितने टाइम में हरिद्वार पहुँच जाऊँगा, सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ इस वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को पूरा बहुत जरूर करना। ब्लॉगिंग करते समय सच में गले की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है, फिर मैंने फाइनली एक फ्रूट ली है, गला बार बार सूख रहा है, सो यार पी लो सभी। उसके बाद देखते हैं कितने बजे यहाँ से जो है बस निकलेगी। आप मेरे पीछे देख पा रहे हो ये है पूछताछ केंद्र, तो मैंने अभी यहाँ पर पूछा, मैंने ये हरिद्वार के लिए कितने बजे बस निकलेगी यहाँ से, तो अभी अंकल बता रहे हैं कि यहाँ से निकलेगी 7:30 बजे, तो देखते हैं 7:30 बजे निकलती है या और भी लेट होती है। जैसे गैस मैंने आपको बताया था यहाँ से 7:30 बजे जो है गाड़ी निकलेगी, तो 7:30 बजे जो है गाड़ी यहाँ पर लग चुकी है, और यहाँ से कुछ सवारी बैठ रही है और मैं भी बैठ जाता हूँ, और जो भी नेक्स्ट स्टॉप पर ये गाड़ी रुकेगी मैं आपको बताऊँगा, तो वीडियो में बने रहिए। अलीगढ़ से चलने के बाद गैस हमारी जो बस है 2 जगह स्टॉप ले चुकी है, एक मेरठ हो गया और एक अभी ढाबे पे रुकी हुई है, और टाइम हो रखा है अभी
बारह बज के 18 मिनट यानी कि 12:15 हुए हैं। तो मैं भी कुछ खा लेता हूँ और कहीं पर भी आगे बस रुकेगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। ढाबे का नाम है गाइस माँ लक्ष्मी शुद्ध वैष्णो पंजाबी ढाबा। तो इस ढाबे पर रुकी हुई है हमारी बस, ये देख सकते हो। फाइनली गाइस हम पहुँच चुके हैं हरिद्वार और ये है हरिद्वार का बस अड्डा, ये देख सकते हो और काफ़ी बड़ा है ये। रात को 2 बजे मैं हरिद्वार पहुंच गया था और अभी भी मैं बस स्टैंड पर हूं, आप देख सकते हो। और अभी टाइम हो रखा है सुबह के 5:30, यानी कि 5:30 बज चुके हैं। और अलीगढ़ से हरिद्वार के डिस्टेंस की बात की जाए तो 300 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है और यहां अलीगढ़ से चलती है 7:30 बजे और यहाँ पर ये 2 बजे पहुँचा देती है, यानी कि 6.5 घंटे में यहाँ पर हरिद्वार में पहुँचा देती है। और किराए की बात की जाए तो 371 रुपये की सबसे सस्ती टिकट पड़ती है। अगर आप एसी वाले से आना चाह रहे हो तो एसी वाले की थोड़ी जो है टिकट महंगी पड़ेगी, एसी वाले से भी आप आ सकते हो यहाँ पर। इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड और नेक्स्ट वीडियो आएगी मेरी हर की पैंडी, यानी कि काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली है। तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।